चलिए, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। ग्रैंडफादर्स एज एक्स, ग्रैंडडॉटर्स एज हमने एक्स सेलेक्ट की, तो ग्रैंडफादर की 10 टाइम्स, दैट मींस 10 एक्स हो गए। ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर। जो ग्रैंडफादर है वो डॉटर, ग्रैंडडॉटर से, यानी कि ये एज ग्रैंडडॉटर से कितने साल बड़े हैं? 54। तो ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस 54, यानी कि ग्रैंडडॉटर से 54 ज्यादा। सो यू आर हैविंग 9x इज इक्वल टू 54। x इज इक्वल टू 6। ग्रैंड डॉटर्स एज को x लिया, फादर्स एज 10x हो गई। अब ये जो है ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स बड़े हैं, यानी कि ग्रैंडफादर की एज ग्रैंडडॉटर की एज में 54 ऐड करके आई। अब x को इधर ले जाओ, 10x माइनस x 9x हो जाएगा। एक स्टेप फोर लिख देती, 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 54। सॉल्विंग यू आर गेटिंग x टू बी 6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सो डॉटर्स प्रेजेंट एज इज 6, x 10x इनटू 6 दैट इज 60 years. Question number 10. 10th question. Man's age is 3 times son's age. So, जहां पे बात खत्म हुई वहां से शुरू करते हैं. Let son's age be x. And Aman's age is 3 times his son's age. So Aman's age 3x. 10 years ago, ab he was 5 times his son's age. So sabse pehle hame dono ki 10 years, agar to usne bola tha 10 years ago he was 7 times son's present age, to son ki 10 years ago wali age nikalne ki zarurat nahi thi. But usne bola 10 years ago his age is this time son's age, तो हमें पहले दोनों की 10 years ago वाली ages निकालनी पड़ेगी। Ages 10 years ago, 10 years ago means आज से 10 साल पहले। Son's age ago में क्या आता है? X minus 10। Aman's age x minus 10, son's age x minus 10 and Aman's age is x minus 10. अब इनके बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से। वो कह रहा है दैट ही वॉज, यानी कि अमन वॉज 5 टाइम्स ही सन्स एज। अमन की एज सन की एज का कितने टाइम्स है? Aman's age is 5 times son's age. So this is 3x minus 10, 5x minus 50. X wale terms ko combine kar lo, 3x minus 5x minus 50 plus 10. Minus 2x is equal to minus 40. So x is equal to minus minus cut ho gaya. X is 40 by 2, that is 20. What we want to find actually, we want to find their present ages. So, son's present age 20, Aman's present age 60.
ओके चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5. ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप थोड़े से मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, अदरवाइज है लीनियर इक्वेशन के ही. वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो. एक्स बाय टू माइनस 1/5 इक्वल्स टू एक्स बाय थ्री प्लस 1/2. x by 2 minus 1 by 5 is equal to x by 3 plus 1 by 4. दो तरीके हैं, या तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके सॉल्व कर लो, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं. दिस इज x by 2 minus x by 3. दिस इज 1 by 4 plus 1 by 5. 1 by 4 plus 1 by 5. तो LCM लिया, 6 LCM. x by 6, 9 by 20. 6 divide ka udhar jaake multiply ho jayega. 9 by 20 into 6. over 10. x comes out to be 27 over 10. Question. मैम जो 6 है वो मैम 20 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा नीचे? बच्चे 6 डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, ऊपर ही जाएगा पूरी टर्म के साथ. ऐसे थोड़ा जाएगा ऐसे. ओके मैम. ओके मैम. लिख सकते हो दिस इज 2.7. Let us do third question. I am doing second will be your homework. Question number third. पिछली exercise के जो questions हमने किए हैं that are the homework. लिख लो homework जो note करता है बच्चा. और third question I am doing x plus 7 minus 8x over 3 17 by 6 माइनस 5x by 2. x वाले टर्म्स को कंबाइन करो, x माइनस 8x by 3 प्लस 5x by 2 इक्वल टू 17 by 6 माइनस 6. लाइक टर्म्स. सेकेंड होमवर्क है, थर्ड वी आर डूइंग. सो हमने क्या किया, एक्स वाले टर्म्स को कंबाइन कर लिया एंड मोर ओवर कॉन्स्टेंट टर्म्स को भी कंबाइन कर लिया. चलिए एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ जाएगा. इसके नीचे 1 है, 6x, 2 इंटू 8x 16x, 3 इंटू 5x 15x. 6 एंड 1 का एलसीएम 6, 42. दिस बिकम्स माइनस 10x प्लस 15x.
ये बना 5x अपॉन 6 माइनस 25 अपॉन 6, 5x अपॉन 6 माइनस 25 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 उधर ले जाओ, यू विल बी हैविंग 5x इज इक्वल टू माइनस 25 बाय 6 मल्टीप्लाई 6, 6 कट गया, 5x इज माइनस 25, सो x इज माइनस 5. जो आपका NAS का टेस्ट हो रहा है, ऑल आर, इट इज कंपल्सरी टू गिव, ऑल ऑफ यू आर सपोज टू डू इट संडे 2 PM, यू नो your test will be there in your group and all of you are supposed to do and send me screenshot of your numbers Sunday bete. Koi baat nahi, baad mein kar lena jisko koi genuine problem. Yes, who are you to interfere in between? Every time chaliye, turn over the page. कर सकते हैं, पहले 6 को ले जाओ फिर 5 को. नाउ आई एम डूइंग, आई विल टीच 5th 6th बोथ एंड 4th 5th 6th आपके होमवर्क भी होंगे. 5th 6th बोथ हम क्लास में भी करेंगे और 4th 5th 6th आपके होमवर्क भी होंगे. लेट अस स्टार्ट दैट. लेट अस, कल बोली थी फिर नोटबुक्स कब कलेक्ट करने के लिए बोली है, बस यही सबने दे दिए. कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं, जिन्होंने नहीं दी उनसे अभी बात करते हैं. दिखाना जरा किस किस में. पार्थिव गुप्ता, सार्थक, हाँ कब देने लगे हो? पार्थ कालिया, कल लेके आना. एनिक, कल को, कल दूर नहीं है फिर याद रखी. सक्षम भगोड़िया, यू आर सक्षम, यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट डे. एक मिनट, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? हाँ क्वाइट, कल लेके आना बेटे. जानवी ठीक नहीं है इसका. तुषार, पॉपी, सोमिल, ईशान, ईशान, ईशान की टिक देखो कॉपी इधर है तो निकाल. यस बेटे ईशान, नहीं अक्षित का नाम लिखा हुआ है. अच्छा रितेश, कॉपी टिक नहीं है. सब दोगे कॉपी? अरमान, ख्याति, ख्याति का टिक लगा. चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 5th वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. थ्री टी माइनस 2/4 माइनस 2t+3/3 इज इक्वल टू 2/3 - 3. अब देखो, आप देख रहे होगे कि इसमें तो इधर भी इतने t पड़े हुए हैं, उधर भी हैं. तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो अलग से, टी वाली टर्म्स को एक जगह पे करके कर लो, दैट विल बी द बेटर वे. सो यू विल बी हैविंग 3t - 2/4 - 2t+3/3 - t. इधर आया क्या बन गया? प्लस t. तो यहां पे हमारे पास
ट्वेल्व एलसीएम आ गया, फोर थ्री सा ट्वेल्व, थ्री आया ना, अब थ्री इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यू राइट थ्री इंटू पूरी ब्रैकेट, थ्री इंटू फुल ब्रैकेट माइनस थ्री फोर सा ट्वेल्व, फोर इंटू फुल ब्रैकेट प्लस वन को ट्वेल्व से डिवाइड किया ट्वेल्व, ट्वेल्व को टू से, ट्वेल्व को टी से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व टी, थ्री अंदर गया ये बना नाइन टी माइनस सिक्स माइनस एट टी माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व टी ओवर ट्वेल्व इक्वल टू टू बाय थ्री, दो दो करके टर्म सॉल्व करो, पहले टी वाले सारे इकट्ठे कर लो, नाइन टी माइनस एट टी प्लस ट्वेल्व टी माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व ओवर ट्वेल्व इज इक्वल टू टू बाई थ्री, नाउ नाइन टी माइनस एट टी टी प्लस ट्वेल्व टी माइनस माइनस प्लस माइनस एटीन ट्वेल्व टी प्लस टी थर्टीन टी माइनस एटीन ओवर ट्वेल्व टू बाई थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू थर्टीन टी माइनस एटीन टू इंटू ट्वेल्व, थर्टी नाइन टी माइनस फिफ्टी फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, दिस इज थर्टी नाइन टी ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टी फोर, सो थर्टी नाइन टी सेवेंटी एट, टी इज सेवेंटी एट ओवर थर्टी नाइन, टी कम्स आउट टू बी टू, यहां से ये यहां तक ठीक है, उसके बाद ये टी और ट्वेल्व टी मिलके थर्टीन टी बन गए माइनस एटीन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला थ्री डिवाइड वाला उधर जाके पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया और इधर वाला ट्वेल्व डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट्स ओपन यू गेट इट टू बी टी। चलो फोर्थ क्वेश्चन, डू इट राइट नाउ।